गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कोड में। तो आज हम लोग अपने हिंदी में एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं जो कि है हम लोगों का विलोम शब्द, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो आज हम लोग आपके कॉम्पिटिशन लेवल की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द देखेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोगों का फर्स्ट है अग्रज। अग्रज मीन्स होता है बड़ा, या फिर अधिकतर यूज होता है बड़ा भाई के रूप में। अग्रज मीन्स बड़ा भाई, अनुज मीन्स छोटा भाई। अग्रज का अनुज होगा विलोम। अनाथ, अनाथ जिसका कोई भी पालनहार ना हो, जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ कहलाता है, जिसके माता पिता हो वह होता है सनाथ। अल्पायु जिसकी आयु बहुत ही कम हो, दीर्घायु जिसकी अधिक हो। और फिर अपना है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जिसे बहुत कम नॉलेज हो या फिर बहुत कम जानता है, बहुत कम ज्ञान हो, उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। और फिर है बहुज्ञ जिसे अधिक ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो। फिर है हम लोगों का अस्वस्थ। अस्वस्थ मीन्स जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, इसका विलोम हो जाएगा स्वस्थ, जो बिल्कुल स्वस्थ हो, हेल्दी हो, फिट हो। और फिर है हम लोगों का अगला, या तो नॉर्मल सा है अगला का पिछला, सब लोग जानते हैं। अंत, अंत का हो जाएगा आदि। और अर्थ, अर्थ का विलोम हो जाएगा अनर्थ, जैसे कहा नहीं जाता है अर्थ का अनर्थ कर दिया एक मुहावरे के रूप में, उसी प्रकार है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा विलोम शब्द। फिर है हम लोगों का अत्यधिक। अत्यधिक मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कोई चीज़ है, और इसका विलोम हो जाएगा हम लोगों का अत्यल्प, यानी बहुत ही कम मात्रा में। अधिकतम, अधिकतम मीन्स बहुत अधिक, और न्यूनतम मीन्स मिनिमम। अधिकतम को इंग्लिश में हम लोग जानते हैं, सब चीज़ें हम लोग अधिकतम को कहा जाता है मैक्सिमम, न्यूनतम को कहा जाता है मिनिमम, लेकिन हिंदी में जब वही चीज़ आ जाती है तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यह है मैक्सिमम, यह है मिनिमम। फिर हम लोगों का अमावस्या। जैसे अमावस्या का विलोम होता है, अपोजिट होता है पूर्णिमा। फिर है हम लोगों का अंत, उसका अनंत। अब आप लोग कहेंगे ऊपर अंत का आदि था, नीचे अंत का अनंत है, तो इसमें बीच में ना लगा है, उच्चारण वही आएगा परंतु यह दूसरी चीज़ है, या दूसरी चीज़ है। यदि इस प्रकार अंत लिखा है तो इसका आदि होगा, अगर इस प्रकार लिखा है तो उसका अनंत होगा। यदि आपके एग्जाम्पल्स में उदाहरण अंत के साथ आदि का दिया है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा हो कि आपको ये भी देखने को मिल जाए और यह भी मिल जाए, तो दोनों दिए हों और आदि आया हो जैसे, तो आप किसको लगाएंगे? तो आपको अंत के सामने अनंत को ही लिखना है और इस अंत के सामने आदि को लिखना है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? आई थिंक समझ गए होंगे। आहार, आहार मीन्स भोजन, निराहार बिना भोजन के। आवश्यक, आवश्यक मीन्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अनावश्यक मीन्स जिसकी कोई भी आवश्यकता ना हो, जहाँ जो इम्पॉर्टेंट ना हो। फिर आर्द्र, आर्द्र मीन्स एक प्रकार से हम लोग थोड़ा मॉइस्ट टाइप में यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्ट मीन्स नमी वाला, और इसका अपोजिट हो जाता है शुष्क। शुष्क जैसे कोई शुष्क प्रदेश होते हैं तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और फिर है हम लोगों का आग्रह। आग्रह मीन्स जैसे किसी से रिक्वेस्ट करना कि हमारे वहाँ आइए, जैसे किसी भी कार्य के लिए हम लोग प्रेम से कहते हैं आग्रह किसी से। और दुराग्रह मतलब उससे सम्मान से बात ना करना, तो वह हो जाता है दुराग्रह। फिर हम लोगों का आधुनिक। आधुनिक मीन्स बहुत ही ज़्यादा विकसित। विकसित हम लोग जैसे आधुनिक समय के हैं। प्राचीन मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव या ओल्ड लोगों को प्राचीन। ओल्ड लोग नहीं मतलब प्राचीन सभ्यता होती है तो वो प्राचीन। आश्रित मतलब जैसे आप किसी पर डिपेंड हैं तो आप उस व्यक्ति पर क्या हैं? आश्रित हैं। यदि आप स्वयं जॉब करते हैं या आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आप हो जाएंगे निराश्रित। यदि आपने कोई चीज़ किसी दूसरे को दी तो आपने क्या की? अर्पण की। अरे आप जैसे मंदिर जाते हैं तो आप भगवान के चरणों में फूल अर्पण करते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मतलब देने को आप सीधे सीधे अर्पण और लेने को आप ग्रहण करना समझ सकते हैं। फिर हम लोगों का अस्त, जैसे सूर्यास्त और सूर्योदय। जिसका अस्त हुआ है उसका उदय भी जरूर होगा। अस्त मीन्स पतन, उदय मीन्स उठना या फिर आगे बढ़ना। फिर हम लोगों का है अनुकूल। अनुकूल मतलब फेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन। अनुकूल मतलब परिस्थितियाँ सामान्य होना, प्रतिकूल मतलब परिस्थितियों का सामान्य ना होना। और फिर हम लोगों का अग्नि। अग्नि का तो जल पता ही है सबको। फिर हम लोगों का अति। अति का क्या होता है? अल्प। अति मीन्स होता है बहुत ही अधिक मात्रा में। अति मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, और अल्प मीन्स कम मात्रा में। जैसे कहा जाता है किसी चीज़ की अति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो उसका मतलब कोई भी चीज़ को हद से ज़्यादा करेंगे तो वह अच्छी नहीं होती। अनेकता मीन्स जैसे लोग अलग अलग रहते हैं तो उसको अनेकता कहा जाता है, और एक साथ हैं तो वही एकता। अमृत, अमृत आपका वही अमृत। विष मीन्स पॉइजन, अमृत वही जिससे पीकर अमर हो जाते हैं लोग, वही पदार्थ अमृत। और इसका अपोजिट है विष।
और फिर हम लोगों का अमीर अमीर गरीब, ये तो सबको पता है। जैसे यह है अंधकार का प्रकाश, यह आपको पता भी होगा, परंतु पेपर में ऐसे नहीं पूछते हैं। जैसे अंधकार का एक होता है अपना तमस, ये तमस मीन्स क्या होता है? तमस है अंधकार का पर्यायवाची, तमस क्या है? अंधकार का पर्यायवाची। अगर पेपर में पूछ लिया तमस का विलोम शब्द क्या होता है, तब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को पर्यायवाची पे भी ध्यान देना है, जिसके लिए हम लोगों की आगे भी क्लासेस चलेंगी। तो अंधकार का प्रकाश या तमस का प्रकाश, अब इसमें जितने भी शब्द हैं इनके कई सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे भी ले लीजिए, अग्नि के कितने पर्यायवाची होते हैं आप लोगों को बहुत पता होंगे, जैसे पावक है, दहक है, अनल है, तो ये अग्नि के हैं। और भी कई चीज़ों के होते हैं, जैसे आधुनिक है, अर्थ है, अत्यधिक है, अधिकतम है, इन सब के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। यदि इनके पर्यायवाची पूछे जाएँ तो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, जिसके लिए हम लोगों की आगे पर्यायवाची की क्लास चलेगी। तो कहाँ पे थे हम लोग? अंधकार पे। तो अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। अग्र मीन्स आगे, पश्चिम मीन्स पीछे, आगे का पीछे, अग्र या थोड़ा शुद्ध में लिखा है नॉर्मल चीज़ ही, आगे पीछे। अग्र को इंग्लिश में कहते हैं एंटीरियर, पश्चिम को कहते हैं पोस्टीरियर, तो अग्र का पश्चिम हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद।